तो सबसे पहले मैंने आपको मोबाइल स्टार्ट करके इसलिए दिखाया कि आप गलत वीडियो पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। कोई फेक वीडियो होती है, आप बहुत सारी फेक वीडियो ऐसी देखते हैं, एंड में आपको बताते हैं, मैं ट्रिक बताऊंगा लेकिन कुछ भी नहीं बताते। वीडियो दरअसल फेक होती है, सिर्फ वॉच करने के लिए अपनी वीडियो को वॉच करवाते हैं लोगों से, ठीक है, फेक वीडियो बनाकर। तो आपने देखा होगा इसमें हमने i251 की LCD लगाई है, वीगोटेल वाली, ठीक है, आईटेल में, ये किसी भी आईटेल में आपने ये ट्रिक जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 37 पॉइंट वाली LCD निकाल के, आईटेल वाली जो ओरिजिनल LCD होती है वो निकाल के आपने, और 16 पॉइंट वाली LCD लगानी है, ठीक है, वो भी बिल्कुल ओरिजिनल कलर आपको नज़र आएंगे, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने आपको ये जंपर उतार के चेक कराया, अभी इसके कलर जो है सही नज़र नहीं आते, तो ये जंपर लगाने के बाद बिल्कुल ओरिजिनल कलर इसके नज़र आएंगे। और इसकी रिबिन छोटी होती है, जंपर अक्सर लोग इसको जंपर कर देते हैं, वो भी मैं आपको एक न्यू ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो आपको जंपर भी करने नहीं पड़ेंगे, तो आपने वीडियो के साथ बने रहना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे दोस्तों का यही कमेंट्स आएगा कि जब ओरिजिनल LCD मिल रही है तो फिर इसमें जुगाड़ करने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों देखिए, ओरिजिनल LCD इस तरह नहीं होता, कोई हमारे पास पुरानी भी LCDयां पड़ी हुई होती हैं, वीगोटेल i251 आम मोबाइल है, ठीक है, तो हमारे पास पुरानी भी LCDयां पड़ी हुई होती हैं, तो इसमें अगर हमारे पास न्यू LCD 37 पॉइंट वाली नहीं है तो हम बड़ी ही आसानी से लगा कर और कस्टमर को मोबाइल सेट करके दे सकते हैं। और ये LCD इसकी ओरिजिनल जो आईटेल वाली LCD है वो इस LCD से 150 रुपये या 100 रुपये ऊपर की कीमत में है, ठीक है। तो क्या ज़रूरत है हम ऊपर खर्चा करें जब वही काम ये LCD कर सकती है। दोस्तों देखिए, ये एक जंपर आपने लगा के और ऊपर से इस तरह का टेप लगा देना है, ठीक है। जंपर कहाँ पर लगाना है वो मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बिल्कुल A to Z जो भी बात है आपको क्लियर समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसकी रिबिन छोटी है, इसका हम हल बताते हैं सबसे पहले आपको, ठीक है। कोई भी आपने ख़राब LCD ले लेनी है, ठीक है, i251 वाली कोई भी टूटी हुई या ख़राब LCD ले लेनी है, और इसके जो ये रिबिन है आपने इस तरह से इसको काट देनी है, ठीक है, जिस तरह मैं काट रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह आपने काट देनी है इसको। अब दोस्तों इस रिबिन को आपने बिल्कुल इस LCD के टांके जो है बिल्कुल एंड पर आपने इसको सोल्ड कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इस रिबिन को बिल्कुल आपने इस तरह इस तरफ से आपने एंड पर बिल्कुल सोल्ड कर देना है, ठीक है, और आपने फिर i251 वाली LCD लगानी है। ये बात आपने याद रखनी है, अगर फिर भी रिबिन छोटी हो रही है, ठीक है, फिर भी ये रिबिन कम पड़ रही है, तो आपने एक और LCD लेनी है, ठीक है, उसकी रिबिन भी आपने बिल्कुल इसी तरह काट के और इसके आपने एंड पर, ठीक है, ये जो आपने रिबिन लगाई उसके ऊपर आपने बिल्कुल एंड पर आपने वो सोल्ड कर देनी है, ठीक है। तो इस पर मैं आपको लगा के आपको बताता हूँ आपने किस तरह काम करना है, ठीक है। जंपर का भी बताता हूँ किस तरह आपने ओरिजिनल कलर लाने हैं इस LCD में। अब आपने बिल्कुल एंड पर LCD सोल्ड करनी है, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से लग चुकी है, ठीक है। इस तरह हम अगर जंपर करते हैं तो वो ख़राब लगते हैं, कोई अगर और रिपेयर करने वाला उस मोबाइल को ओपन करता है, यार वो बोलता है यार ये मोबाइल कैसे बनाया है, किस जट ने बनाया है ये मोबाइल, तो ये कुछ प्रोफेशनल भी लगता है, ठीक है। कस्टमर को भी नज़र आएगा कि वाकई भाई मोबाइल हमारा जो है सही बन चुका है। तो अब देखिए, ये LCD इसकी रिबिन पहुंच गई है, ठीक है, बिल्कुल अपनी जगह पर लग चुकी है। अब आपने ये जंपर कहाँ पर लगाना है वो आपको मैं लगा के बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों आपने ये जंपर इस LCD के 7 नंबर पर लगाना है, ठीक है। लगा के मैं आपको चेक कराता हूँ और फिर आपको बताता हूँ 37 पॉइंट में आपने किस नंबर पर लगाना है, ठीक है। इस तरफ से आपने जो है गिनती चालू करनी है, ठीक है, इस तरफ से याद रखना है आपने, जिस तरफ ये LCD की लाइटें लगी हुई होती हैं, ठीक है, उसी तरफ से आपने गिनती चालू करनी है और 7 नंबर पर ये जंपर आपने लगा देना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
दोस्तों सात नंबर पर आपने जम्पर लगा के और आपने इस तरह ऊपर ट्रैप लगा देना है, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं ये इसके कलर कैसे आ रहे हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ 37 प्रिंट वाली जगह पर आपने किस नंबर पर आपने जम्पर लगाना है, ठीक है। सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं इसके कलर किस तरह आ रहे हैं। जी दोस्तों बिल्कुल इसके ओरिजिनल कलर आ रहे हैं आपके सामने हैं, ठीक है। आईटेल वाली एलसीडी के जो आते हैं वही कलर इसके बिल्कुल ओरिजिनल आ रहे हैं। वैसे ये एलसीडी थोड़ी जो है वाटर डैमेज है, इसलिए ये दाग आ रहे हैं, लेकिन कलर इसके बिल्कुल ओरिजिनल आ रहे हैं जो आईटेल की एलसीडी में 37 प्रिंट वाली एलसीडी में आते हैं। तो दोस्तों आपने जंपर 37 प्रिंट में आपने कहाँ पर लगाना है, देखिए 16 प्रिंट वाली एलसीडी में आपने ऊपर जंपर लगाया इस तरफ से सात नंबर पर, ठीक है। और 37 प्रिंट जहाँ पर हैं, ठीक है, ये जो नीचे 37 प्रिंट हैं तो आपने इस तरफ से 6 नंबर पर लगाना है, ठीक है। याद रखना है इस तरफ से 6 नंबर पर आपने जंपर लगा के और डायरेक्ट ऊपर आपने 7 नंबर पर लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एलसीडी के कुछ जंपर वगैरह भी नहीं करने पड़ेंगे, बिल्कुल आसानी से आपकी एलसीडी जो है फिट हो जाएगी बोर्ड के अंदर। फिर भी कोई बात समझ नहीं आ रही तो वीडियो के कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की, आपको आपकी सपोर्ट करने की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ, फिलहाल चाहता हूँ इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।